हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई, व्हाटएवर, जो इसके अलावा आम इंडिविजुअल पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी अकाउंट चला रहे हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर गंद फैलाने में तकरीबन नून लीग का बहुत बड़ा हाथ है। आप इसे डिनाई करें या ना करें, मोस्टली पाकिस्तानी ये चीज़ समझते और जानते हैं। जिस तरह ये लोग गंद छालते हैं, कभी किसी की जात पर, कभी किसी की जात पर, हमेशा इन्होंने बिल्कुल एक बेहयाई सा एक नेटवर्क कायम किया हुआ है। जो आप सारे जानते हैं कि मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम है, जिसको सोशल मीडिया पर बगिया तौर पर कहा जाता है, ये 34 करोड़ की टीम है। अब ये लोग जब गंद छालते हैं तो सारे सोशल मीडिया पर गंद छोड़ता है। हमने ये तारीख को खंगाला और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ली ताकि आपको पता चले ये जो दूसरों पर गंद छालते हैं, कोई किसी के खिलाफ किताब लिखवा रहा है, इनकी अपनी असलियत क्या है। अब आज का टॉपिक तो यही है कि मरियम नवाज की एक्चुअली जो आप हमेशा सुनते हैं कि वो घर से भागी, कैसे भागी, क्या सफदर के साथ, आज हम आपको उसकी सारी डिटेल्स बताएंगे ताकि आपको पता चले कि इन लोगों का असल चेहरा क्या है। आप लोग इनसे खबरदार हैं ताकि आप इनको डिफेंड ना कर सके, आप लोगों को पता हो। देखिए, तकरीबन 1990 की बात है जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वजीर आज़म बने तो अपने तमाम फैमिली के साथ ये लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। नवाज शरीफ की होनहार बेटी जिसको मरियम नवाज कहते थे, तब तो मरियम नवाज ही थी, बाद में कैप्टन सफदर से शादी के बाद मरियम सफदर बनकर फिर दोबारा मरियम नवाज उनका नाम रखा गया। ये इन दिनों पिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके थे और चूंकि वो आर्मी का मेडिकल कॉलेज था, कोई आम कॉलेज नहीं होती, इसलिए वहाँ हाजिरी जरूरी होती है और आप जानते हैं कि आर्मी में डिसिप्लिन कितना। अगर मरियम नवाज हाजिरी नहीं देती, घर बैठ के पेपर देती, जो कि यूजुअली हमारे सियासतदानों के बच्चे करते हैं, तो उनका नाम भी कट सकता था। लिहाजा मरियम नवाज को हर रोज मियाँ नवाज शरीफ साहब का रमजान नामी एक प्राइवेट गाड़ी में इस्लामाबाद से पंडित कॉलेज छोड़ कर आता था और छुट्टी के बाद वापस भी लेकर आता था। चंद दिन तो ये रूटीन रही, फिर उसके बाद मरियम नवाज ने नोट करना शुरू किया कि फौजी अफसरान की बेटियों को तो बावर्दी फौजी गाड़ी में लेने आते हैं, लेकिन मेरे बाप इतने अच्छे होते हैं कि बावजूद मुझे एक मोटा सा संडा सा मूछों वाला हाजी रमजान बोले गए आते हैं ना, जिसकी वो ग्लैमर हवेली है। मरियम नवाज ने उस वक्त अपनी माँ से शिकायत की, कल्चर नवाज से, कि मुझे भी कुछ ऐसा कोई हैंडसम ऑफिसर दे दो। इसी शाम वजीर आजम नवाज शरीफ तक ये उनकी दरख्वास्त पहुँच गई। नवाज शरीफ साहब को भी इस चीज़ का इदराक हुआ कि वाकई मेरी बेटी होने के बावजूद एक हैंडसम इंसान उसको क्यों नहीं छोड़ने जाता। उनको लगा तो मेरे ही बेटी का भी मेजर रैंक के अफसरों के बच्चों से ज़्यादा प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो। इसे मियाँ साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कॉल मिलाई और उनसे कहा वजीर आजम ने फौरी तौर पर एक अच्छा सा फौजी बतौर गार्ड फॉर्म किया जाए। यहाँ एक अच्छे फौजी से बात काबिलियत या सलाहियत हरगिज़ ना थी, बल्कि जिसकी शक्ल सूरत मियाँ साहब को पसंद आ सके। मियाँ साहब का काबिलियत से क्या, अगर इस बारे में आप सारे ही जानते हैं, उनके उनके जैसे काबिलियत था बाहर कुछ भी नहीं सिवाय चापने से। जब मिलिट्री सेक्टर से मामला पाक फौज की हाई कमान तक पहुंचा तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। आगे वो इससे तंग थे नवाज शरीफ से, इनकी हरकतों से मजबूरन उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का दौरा करने का फैसला किया, क्योंकि मियाँ साहब की खिदमत के लिए PMA का ऑफिसर भेजना इसराफ और अफसर की तोहीन के जुमरे में आता। अगले दिन जनरल रैंक ऑफिसर ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला गया, जहाँ बैच 18 के चंद ऑफिसर मौजूद थे। इनमें से एक अफसर बस में पूरी यूनिफॉर्म के साथ खाना खा रहा था। जनरल साहब को देख कर बजाय फौजी रवायत के सलूट करता, इसने वहीं बैठे बैठे जनरल साहब को आवाज़ देकर कहा चिकन कौरमा टेस्ट करे, बहुत मजे का बना। जनरल साहब को समझ आ गई कि यही वो बंदा है जो नवाज शरीफ और चिकन कौरमे खाने वाले और पाए खाने वाले वजीर आजम के लिए सूट करेगा। उन्होंने जवान को हुक्म दिया कि अगले दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर मिलिट्री सेक्रेटरी को रिपोर्ट करे। अगले दिन अपने सफेद वर्दी में वजीर आजम हाउस पहुंच गया और वहां जाते ही इसकी ड्यूटी मरियम नवाज को पिक एंड ड्रॉप करने पर लग गई, जो इसने खुशी खुशी कबूल कर ली, क्योंकि जैसा दामाद वैसा सुसर था तो वो हरकतें भी वैसी ही रहनी थी। ये जवान कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सफदर साहब थे। कोई शख्स माने या ना माने, लेकिन इस शख्स में इतना टैलेंट था कि इसने वजीर आजम की चलाक तरीन बेटी, यानी जिसको बड़े बड़े ना पटा सके, इसने उसको पटा लिया। और किस तरह पटाया ये अब कैप्टन सफदर साहब भी कभी मुंह खोलेंगे तो पता चलेगा। एक साथ है कि ये जनाब पिक एंड ड्रॉप करते रहे,
और उसके बाद इन्होंने मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को किस तरह छुप छुप के मिलना शुरू किया, किस तरह उनको छोड़ने के बहाने गिफ्ट देने शुरू किए। और एक वक्त ऐसा है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको पिक कर लिया। अल्लाह से हम कुछ आपको बातें हजफ करना चाहेंगे लेकिन कुछ आपके साथ डिटेल शेयर कर दी। देखिए, नवाज शरीफ की ये तोहीन बन गई हुई थी कि वो कैप्टन सफदर को किसी भी सूरत में अपना दरबार कबूल करे। कल्सूम नवाज का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। नवाज शरीफ अपनी तोहीन समझ रहे। उन दिनों नवाज शरीफ अपना एक स्कैंडल उनका भी चल रहा था बहुत ज्यादा, आप जानते ही होंगे, ताहरा सईद के साथ। वो वहाँ पे मगन थे, लिहाजा जब बेटे बाप और बेटियों में सब इशूज का खड़ा हुआ था, काफी सारे नवाज शरीफ को ताने सुनने को मिले, जिसकी वजह से उनको कैप्टन सफदर को कबूल करने का ख्याल आया। लेकिन मामला इतने हद तक चले गए थे, अब आप सारे जानते हैं, हम उसको क्या कमेंट करें। बहुत सारे लोग बात बताते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कैप्टन सफदर साहब के साथ वो भाग गए। वैसे कुछ ऐसी जगह चले गई जब भाग जाते हैं तो क्या होता है, ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वसीम अख्तर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें पता है किसकी बेटी किसके साथ भागी है। और इसके अलावा शर्मिला फारूकी साहबा भी एक दफ़ा बता चुकी हैं कि किस तरह मैं राना सुना लगूँ कि मैं मरियम नवाज की तरह घर से नहीं भागी थी। उसके बाद मामला इस हद तक कंट्रोल से बाहर हो चुके थे, चीज़ इतनी कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी कि अब नवाज शरीफ अगर मरियम की शादी ना करते कैप्टन सफदर के साथ तो आप जानते हैं फिर आगे क्या होना था। देखिए, बात ये है कि जब आप किसी के लाइफ पे गंद छालते हैं, कभी किसी को आप यहूदी कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी जजों को गालियां देते हैं, तो लोग अब कब तक चुप रहेंगे। अब वो दिन है और आज का दिन है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दामन पे इतना गंदा दाग लगा। अब यकीन कीजिए कि बेनजीर को ये लोग इतने इतने गंदे अल्फाज से रांड पीली टक्सी तवाइफ फहश हो रहे थे, इनके खिलाफ क्या कुछ नहीं करते लेकिन अपने घर में इनके क्या हो रहा है वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों की शादी आप कह लें कि उन्होंने कभी इस इशू पर इतना उछाला ही नहीं, उनके नज़दीक वो इसको बुरा शायद समझते थे, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ जैसे इस्लाम का लिबादा और नेक परहेज बनने की कोशिश नहीं की, दूसरी तरफ अपनी चक्करबाजी की तरफ ना गई।